पप्पू यादव हमारे साथ हैं। सर, आपने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय किया था, आप चाहते थे कि महागठबंधन में कांग्रेस को यह सीट मिले और आप लड़े, लेकिन राजद के खाते में महागठबंधन में ये सीट चली गई पूर्णिया। बीमा भारती लड़ रही हैं, लेकिन आपने कल निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया। इसी बीच बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह का बड़ा बयान आया है कि किसी भी सीनियर लीडर या नेता को कांग्रेस आलाकमान निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन करने की इजाज़त नहीं देता है, सो इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभी भी मेरी सलाह है पप्पू यादव को कि नामांकन वापस लेने की तिथि बची हुई है, वो नामांकन वापस ले लें। अच्छी सलाह है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, मेरे व्यक्तिगत रिश्ता है, सलाह कोई गलत थोड़ी वो देते हैं। जब वो मेरे भाई हैं तो भाई की तरह ही सलाह देंगे। गठबंधन धर्म का पालन तो उनको करना ही चाहिए। कांग्रेस लीडरशिप आदरणीय राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, लंबे समय से उनका ट्रस्ट, और हम लोग सदन और सदन के बाहर राहुल जी के साथ लंबा संघर्ष, और प्रियंका गांधी जी का जो एक ब्लेसिंग है, एक विश्वास है, ये काफ़ी है। देखिए, दो बात समझिए, चुनाव की राजनीति अलग है, लोगों का दिल जीतना, लोगों के दिल में रहना और लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करना, ये दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। भैया, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि पूर्णिया को दुनिया ने 14 दिनों में जान लिया। दूसरा सबसे ज़्यादा खुशी है कि इस देश के 100 करोड़ लोगों ने पप्पू यादव को दिल में जगह दे दी और सबका आशीर्वाद प्राप्त है। तीसरी सबसे बड़ी खुशी है कि पूर्णिया के 23 लाख लोग, मुझे चुनाव छोड़ देना पड़ेगा, छोड़ दूंगा, कम से कम जात पात तो खत्म हो गया, सब परिवार एक तो हो गए, और जिंदगी में इससे ज़्यादा खुशी भगवान की सौगंध मेरे लिए कुछ नहीं है। सर, कुर्सी नहीं थी, पूरे देश के कोरोना में मदद की है ना, पटना बाढ़ में मदद की है ना, अपनी ज़मीन बेच बेच मदद की है ना, कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन इंसान का आँख पोछते हैं ना, किसी से जात तो नहीं पूछते हैं, किसी से मजहब तो नहीं पूछते हैं, सबके आंगन में जाके पैर तो छूते हैं। पप्पू यादव को इतना अधिकार तो है हर आंगन में जाके खाना खाने का, और ये स्वभाग किसको प्राप्त है इस देश में, सब नेता बन के रहते हैं। हम तो हमेशा हर परिवार का बेटा और बच्चा, कोशिश हिमाचल से आप हमें ही ख़त्म करना चाहते हो, हमसे ही नफरत, दिल्ली पटना में बैठ के आप राजनीति करोगे। जो आदमी दुनिया के हर आदमी का आंसू पोछे, हर व्यक्ति के लिए जिए, हर परिवार को अपना परिवार समझे, हर लोगों की खुशियों की बात करे, आपको मिससे क्यों ना, यहाँ तो कोई नहीं था आपके पास। 4 बार हम सांसद बने, माँ लड़ी, कुछ वोट से हारी, हमेशा पूर्णिया में कांग्रेस की सीट रही, शुरू से आप उठा करके देख लीजिए, और उसके बावजूद आप कांग्रेस से ये भी छीन लिए, सुपौल भी छीन लिए, सब छीन लिए। कांग्रेस में कांग्रेस नेतृत्व की ब्लेसिंग है, ये काफ़ी है, और उनका समर्थन मुझे प्राप्त है, और मेरे लिए तो यहाँ चाहे वो राजद के लोग हों, चाहे जनता दल यू के, चाहे बीजेपी के, चाहे जिस पार्टी के, दिल्ली पटना नहीं चाहिए, उनको बेटा चाहिए, और सब कुछ पूर्णिया में ही है, और मुझे भी दिल्ली पटना से नहीं मतलब, मुझे सीमांचल पूर्णिया को नंबर वन करना है, मुझे किसी की राजनीति नहीं करनी है। मैं जिंदा जब तक रहूँगा हर परिवार की खुशियों के लिए जीऊँगा, जात पात नहीं होने दूंगा, हिंदू मुसलमान, और बिहार से मैं जात पात खत्म करूँगा, मैं आपको वचन देता हूँ, पहला सेक्स होगा जो कास्ट ख़त्म करेगा और रिलीजन ख़त्म करेगा ये झंझट। सर, किसी एक आदमी को मायूस होने नहीं देंगे, और पहले भी नहीं दिए, आपको पता है, आपने उसको देखा कि पटना के बाढ़ में मर जाते हैं लेकिन हम किसी को नहीं छोड़े, कोरोना में पूरे देश की मदद की, आपको पता है। मतलब आपकी बात से लग रहा है कि आप नामांकन वापस नहीं लेंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस आला कमान का आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ है। हम नहीं लड़ेंगे, कल हमने किसी को नहीं बुलाया था, कहाँ से आए इलाकों लोग, सर सब अपने से आए, हम नहीं लड़ रहे हैं, और पूर्णिया में हम कभी चुनाव लड़े भी नहीं, आम लोग ही लड़ते हैं, कभी आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, और इस बार तो हर परिवार के लोग लड़ रहे हैं, हर परिवार के लोग, उनकी भावना नहीं है, उनकी दुआएं हैं, सभी लोग देख रहे हैं कि मेरे लिए अच्छा कौन, मेरा बेटा कि वो लोग,
जो कभी मिलते नहीं है, जो कभी इज्जत नहीं करते, जो जानते भी नहीं है किसी को। तो इसीलिए ये माँ का फैसला है और मेरे पूर्णिया के जिसको मैं भगवान मानता हूँ उसका फैसला है, और उसका फैसला मेरे लिए भगवान की तरह है। उधर सर चर्चा ये हो रही है कि भले आपने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया, लेकिन आपने कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली, इसलिए कांग्रेस आप पर कार्रवाई नहीं कर सकती, ऐसा है क्या? या मुझको समझ में नहीं आता है, जब कांग्रेस नेतृत्व का ही और दुनिया ने देख लिया मेरे पास प्यार है तो सलाह सब दे सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। अखिलेश बाबू का सलाह पूरा स्वीकार हम देखते हैं, अखिलेश बाबू से मेरा प्यार है भाई और व्यक्तिगत रिलेशन है और वो रहेगा। हम अखिलेश बाबू से भी कहेंगे इस धर्म युद्ध में मैं आपके साथ हूँ, राजा डी राजा लड़ रहे हैं ना राहुल गांधी जी के खिलाफ, अब पंजाब में आम आदमी पार्टी लड़ रही है ना कांग्रेस के खिलाफ, अब ममता दीदी लड़ रही है ना, तो आप हमको बता दीजिए ना। तो इसीलिए अखिलेश बाबू का भी सानिध्य हमको प्राप्त है, प्यार प्राप्त है, उस चिंता ना करिए आप। एक आखिरी सवाल सर, आप लगातार घूम रहे हैं, भारी संख्या में लोगों का आपको समर्थन जो है वो मिल रहा है, क्या क्या लग रहा है 26 को वोटिंग होनी है, पूर्णिया की जनता से क्या कहना चाहेंगे? सर पूर्णिया की जनता से क्या कहना चाहेंगे, सर पूर्णिया की जनता खुद ही बोल रही है, और अपने माँ से कोई बेटा कुछ बोलता है, बच्चे दूध जब पीने के लिए जब उठते हैं तो माँ पहले ही उठ जाती है। सर ये हर घर की माँ और बेटियों की फीलिंग है, आप इस बात को समझें, और हमको कुछ नहीं कहना है, मुझे तो बस उसके चरण में रहने और जो आशीर्वाद हमें मिल गया इसके लिए, यह ऋण मैं इस जिंदगी में नहीं चुका सकता हूँ ना मेरा परिवार चुका सकता है। आखिरी साल बताओ, मुझे यही बहुत है। आप अपने आप को कांग्रेस का एक ईमानदार और कार्यकर्ता? सिपाही हूँ, कांग्रेस का हूँ, कांग्रेस के साथ हूँ, कांग्रेस की लीडरशिप को देश में देखना चाहता हूँ बदलाव के लिए, और आने वाले समय में अखिलेश बाबू के साथ मिलकर कांग्रेस को नंबर वन करूँगा। तो अखिलेश बाबू के साथ मिलकर कांग्रेस को नंबर वन करूँगा, ये कह रहे थे पप्पू यादव। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, ABP News पूर्णिया। Oh, oh, oh.